चलो तो, अरे वाह, कल बढ़िया है, मजा आता है क्लास में, और अच्छा लगता है, तो दैट्स गुड। हाँ भाई, तो अपन लोग इनऑर्गेनिक भी पढ़ रहे थे, और इनऑर्गेनिक की लास्ट क्लास में कुछ सवाल होमवर्क दिए थे अपन लोगों ने। लास्ट लेक्चर में सीख लिया था एंड में कि भाई ग्रुप प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, पीरियड और ब्लॉक, ये तीन चीजों का प्रिडिक्शन सीखा था, और इसके लिए तीन सवाल मैंने दे दिए थे और तीन अपन ने क्लास में कर लिए थे। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, फिर आज पीरियोडिसिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? टुडे वी विल स्टार्ट पीरियोडिसिटी आफ्टर दिस, ठीक? ओके, चलो तो मैं फटाफट से इनका सॉल्यूशन बता देता हूँ। एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उससे ब्लॉक पीरियड और ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेट्स ज़ूम दिस इन अ लिटिल। चलो तो एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक एक करके पूछ लूंगा। आंसर्स तो आप लोग दे रहे हो, बट इकट्ठे सारे आंसर्स कॉम्प्रिहेंड नहीं हो पाएंगे ना, तो लेट्स मूव अहेड वन बाय वन। मॉलिब्डेनम का कॉन्फ़िगरेशन बेटा मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, चलेगा ना? एंड इंड का कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं आखिरी का, तो एंडिंग विल बी 4P6 5S1 एंड 4D5, ये आएगा, ठीक है? एक्सेप्शनल है, नहीं भी अगर आप ये नहीं भी करते हो, 4D6 भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके आंसर सही आने वाले हैं। इस प्रिडिक्शन में एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस नहीं भी याद हो ना, आप तो बिना एक्सेप्शन के सीधे सीधे फिल करोगे ना, तो भी ब्लॉक पीरियड ग्रुप का प्रिडिक्शन एकदम सही आएगा। तो भाई ब्लॉक कौन सा हो गया, कौन सा हो गया? डी। तो दिस इज डी ब्लॉक, ठीक है? आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 5। तो पीरियड नंबर क्या हो गया? 5। और ग्रुप नंबर बेटा, डी ब्लॉक के लिए क्या सिखाया था? ग्रुप नंबर डी के इलेक्ट्रॉन्स प्लस आउटर मोस्ट एस के इलेक्ट्रॉन्स, यही सिखाया था, यही सिखाया था ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब शेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट एस सब शेल, तो कितना आ गया ये? 6। बिल्कुल 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 6। तो दिस विल बी 6। ऑल राइट, नेक्स्ट सेलेनियम पे आते हैं। सेलेनियम एटॉमिक नंबर 34, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये आ जाएगा 4s2 एंड में 3d10 और 4p4। तो बेटा आखिरी इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, ब्लॉक क्या लिख दूं यहां पर? ब्लॉक क्या लिख दूं? p ब्लॉक, वेरी गुड। तो द ब्लॉक इज p। पीरियड नंबर, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 4। तो पीरियड नंबर 4 हो गया। ग्रुप नंबर पी के लिए क्या सिखाया था आपको? आपको सिखाया था दो तरीके, 10 प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल या फिर 12 प्लस पी सब शेल के इलेक्ट्रॉन। तो 12 वाला आसान पड़ता है, उसको यूज कर लेते हैं। 12 प्लस पी सब शेल के इलेक्ट्रॉन 4, कितना आने वाला है ग्रुप नंबर? 16, वेरी गुड। फिर कैडमियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो कैडमियम आपका आएगा बेटा 4P6 5S2 और 4D10, यही आया, यही आया। हाँ, अब इसमें सबसे पहले ब्लॉक कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक, वेरी गुड। तो द ब्लॉक इज डी। आफ्टर योर डी ब्लॉक अपने को आउटर मोस्ट शेल नंबर चाहिए, क्या आउटर मोस्ट शेल? 5। तो पीरियड नंबर 5, और डी ब्लॉक के लिए अभी सीखा था अपन ने क्या लिखना है, आउटर मोस्ट के एस और डी के इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 प्लस 10, पीरियड ग्रुप नंबर 12, राइट? बिल्कुल। और एक बात बता दूं, जैसे जैसे आपको पीरियडिक टेबल में कुछ चीजें याद हो जाएंगी तो प्रिडिक्शन आसान हो जाएगा। कैसे, वो भी मैं बता देता हूँ फटाफट से। कुछ ग्रुप्स में आपका काम आसान हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, ऑक्सीजन इज ग्रुप 16, सेलेनियम पूछा था हमसे, तो ग्रुप 16, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ पीरियड, पीरियड 4 और ब्लॉक पी ब्लॉक, ये डेटा।
और ये डेटा मैच कर लो। तो क्या होगा कि कई बार आपसे अगर प्रेडिक्शन का पूछा जाएगा तो अगर आप कुछ मैंने ग्रुप्स बोले वो अगर याद है तो आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एक और चीज बोली थी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये होता है ग्रुप नंबर 12, ये होता है पीरियड नंबर 4, ये होता है पीरियड नंबर 5। तो आपको दिख जाएगा कि भाई कैडमियम की बात हो रही थी, तो कैडमियम के लिए ब्लॉक हो गया डी, ग्रुप हो गया 12 और पीरियड हो गया 5। तो ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड कैडमियम के लिए। तो हमेशा नहीं होगा, मतलब अगर वो आसान पूछ रहे होंगे तो किसी नोन फैमिली से पूछ लेंगे, मतलब पी ब्लॉक तो नोन हो जाता है, एस ब्लॉक भी नोन हो जाता है, और डी की पहली, दूसरी और आखिरी ये हमको याद हो जाती है। इनमें से कोई सा भी आया तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं। अगर कोई और दे दिया तो फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही पड़ेगा, फिर उसमें आप और कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू राइट द कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो इसको काफी टाइम दे दिया, लेट्स रैप इट अप हियर, दिस शुड नॉट टेक मोर ऑफ आवर टाइम। हम लोग आगे बढ़ते हैं पीरियोडिसिटी पे, आ जाए ज्यादा काम की चीज जिस पे सवाल, मतलब जो थोड़ा बड़ा पार्ट है इस चैप्टर का पीरियोडिसिटी, इसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम आवर नेक्स्ट हेडिंग पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा। तो अभी तक जो था ये सब टेबल के बारे में, थोड़ा हिस्ट्री और टेबल से रिलेटेड चीजें हम पढ़ रहे थे, पीरियडिक टेबल से, पोजीशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड बातें। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, अभी तक हमने प्रॉपर्टीज की ज्यादा बात नहीं की थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज। तो उसमें लिखो, द रेगुलर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, the regular gradation in properties from top to bottom in a group and from left to right in a period is called periodicity in properties. Full stop. Periodicity is observed. Next line say, periodicity is observed due to repetition of same outermost shell configuration at regular intervals. Outermost shell configuration, same outermost shell configuration at regular intervals. तो कुछ properties हैं जो हम list करेंगे, इसमें से सारी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, but ज्यादातर पढ़ेंगे कि इनके trends क्या हैं। सबके trends नहीं पढ़ेंगे, कुछ में ज्यादा अच्छे trends बनते भी नहीं है तो वो हम वैसे भी नहीं पढ़ते हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लिखना है आपको। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो थोड़ा ट्रेंड शो करती हैं, ये जिनके ट्रेंड की हम बात करेंगे, वेलेंसी थोड़ा हमने पढ़ा होता है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट,
इन ब्रैकेट सिग्मा, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके लिए थोड़ा नया होगा, दिस शुड बी समथिंग न्यू। फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा है, क्या बात कर रहे हो, कहाँ पढ़ लिया? मतलब 10th क्लास में तो नहीं आता वैसे। हाँ मतलब वैसे कभी रीड कर लियो तो बात अलग है, 10th क्लास में तो नहीं आता। अरे ईशान बेटा ये सिग्मा है, दिस साइन इज सिग्मा, सिंबल सिग्मा। अच्छा, ठीक है ओके। चलो चलो थोड़ी सी भी टाइम दे दो तो इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं। इस साइन का नाम सिग्मा बेटा, सिग्मा। ओके पार्थ, देख लिया था मैंने मैसेज तुम्हारा। तो स्क्रीनिंग, शील्डिंग इफेक्ट, उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन ब्रैकेट जेड सबस्क्रिप्ट ई डबल एफ जेफ, जेड इफेक्टिव कहते हैं उसको। मुझे लगा था सिग्मा तो सिंबल देखा हुआ होगा, मतलब सिग्मा के दो सिंबल होते हैं जनरली, एक ये होता है और एक इस टाइप का सिग्नल होता है। दीज टू डिफरेंट सिंबल्स आर यूज फॉर सिग्मा, जैसे ओमेगा के लिए कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, दीज टू आर फॉर ओमेगा, है ना, बहुत बार आता है वही। नेक्स्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव, उसके बाद एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। प्रियांशु ये कौन सा लेक्चर नंबर है बेटा? वैसे मेरे को याद तो नहीं है, बट आई थिंक थर्ड फोर्थ हुए होंगे, 3 4 लेक्चर हुए होंगे शायद। हाँ 4 हो गए शायद, सही बात है। हाँ भाई, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। फिर नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक बात और, थोड़ा प्री रीड वर्क आप लोगों को अच्छा रहेगा, मैं बता दूंगा कि क्या क्या प्री रीड करना है। प्रॉपर्टीज को थोड़ा प्री रीड करोगे तो आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, है ना। तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ब्रैकेट में बेटा इनके मैं जो शॉर्ट फॉर्म जनरली आगे यूज करूंगा वो लिखता जा रहा हूं, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी IE, आयनाइजेशन पोटेंशियल IP। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज EA और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ब्रैकेट डेल्टा एच EG। अच्छा इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी हुई होती हैं ट्रेंड्स में, लेकिन अभी हम आगे जाके उन ट्रेंड्स को एक्सटेंड करेंगे। तब क्या आपने जनरली पीरियड 1, पीरियड 2, ग्रुप 1, ग्रुप 2 पे पढ़ा होता है, और उसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होता। तो होगा क्या कि अब जब अपन पढ़ेंगे तो डिटेल ज्यादा आएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो यहां तक हम पढ़ेंगे। और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे डेंसिटी और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आदित्य एक पेज छोड़ दे बेटा होमवर्क, और प्लस एक पेज छोड़ दे,
मोर देन इनफ है, लेट हो गया तो कोई बात नहीं, यहां तक लिख लो। अपन पहली वैलेंसी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंथैल्पी के बाद क्या लिखा है, एंथैल्पी के बाद लिखा है डेल्टा एच ई जी, तो डेल्टा एच इज एंथैल्पी, ई जी इज इलेक्ट्रॉन गेन। यहां तक लिख लो। अब अपन एक एक करके इन चीजों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। बिल्कुल, आयनिक रेडियस जो है वो अपन एटॉमिक के अंदर ही पढ़ेंगे, चिंता मत करो। आयनिक रेडियस विल बी स्टडीड इन एटॉमिक इटसेल्फ। एंथैल्पी क्या है ये बेटा, आएंगे उस पर तो बात करेंगे, उसके पहले अपने पास बहुत प्रॉपर्टीज हैं, है ना। एंथैल्पी से पहले भी बहुत कुछ और पढ़ना बाकी है, पहले इनको समझ लें, जब यहां पहुंचेंगे तब इसको भी डिस्कस करेंगे भाई क्या है ये, डोंट वरी। नहीं नहीं विधान बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन वाली नहीं यूज हो पाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए थी, अब तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है अपने पास, तो देखेंगे। लिख लिया यहाँ तक सबने, हैज एवरीवन नोटेड डाउन टिल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो हम लोग वैलेंसी पे आगे बढ़ जाएं। ओके चलो, तो पहली हेडिंग जो आपको लिखनी है, नंबर वन इज वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या होती है पहले तो इसको लिख लेते हैं, फिर कैसे वेरी करती है या क्या ट्रेंड शो करती है वो भी देख लेंगे। तो उसमें लिखो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स Combining capacity of elements or number of electrons participating in bond formation is known as the valency of the element. तो जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, बॉन्ड बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं, वो उसकी वैलेंसी होती है। अब बेटा आप लोगों ने एक वैलेंसीज पढ़ी होती हैं, जो चार्जेस पढ़े होते हैं, ये हमेशा उसके बराबर नहीं होगी, पहली बात है ना, ज्यादातर केसेस में होगी, हमेशा उसके बराबर नहीं होगी। तो ये मत सोचना कि हमने जो वैलेंसीज पढ़ी हैं एग्जैक्टली वही बात है, ये एग्जैक्टली वो बात नहीं है, इसलिए हमने लिखा है कि जो इतने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे वो उसकी वैलेंसी है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन कुछ बात कर लेते हैं, वैलेंसी अलग अलग एलिमेंट्स के साथ अलग अलग भी शो हो जाती है। जैसे सुन लो इस बात को, पहले अगर हम हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स देखें तो वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन की अगर बात करें, वैलेंसी With respect to hydrogen, तो यहां पर अपने पास क्या ग्रुप्स ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16 और 17 अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। सेकेंड पीरियड की बात करें तो वैलेंसी और एन फैक्टर सेम है, नॉट ऑलवेज उत्कर्ष, नॉट ऑलवेज। तो इनके कुछ कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं, जैसे ग्रुप वन में लिथियम आता है तो लिथियम हाइड्रोजन के साथ LiH बनाता है, ग्रुप टू में आएंगे तो लिथियम के बगल में बेरिलियम है वो BeH2 बनाएगा, ग्रुप 13 बोरॉन पे आएंगे तो BH3, उसके बाद अगला कंपाउंड कौन सा बनेगा बेटा बताओ जरा मेरे को, CH4, उसके बाद NH3, उसके बाद अगला कंपाउंड H2O, और लास्ट में क्या लिख दे,
क्या लिखें? सीएल नहीं आएगा बेटा, फ्लोरीन आएगा। पीरियड ही भूल गए, सेकंड पीरियड की बात चल रही है। तो अब अगर यहाँ वैलेंसी लिखेंगे हम इन कंपाउंड्स के हिसाब से कि भाई कितने कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो लिथियम की 1 आएगी, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की कितनी बेटा? 3। ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1। तो वैलेंसी क्या ट्रेंड शो कर रही है कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पहले बढ़ती है और फिर कम हो जाती है। तो वैलेंसी शोज दिस ट्रेंड कि अगर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बात कर रहे हैं तो इट विल इंक्रीज टू 4 एंड देन इट विल डिक्रीज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पीरियड 2 और पीरियड 3। तो इसकी वैल्यू भी क्या आती है, यहां पर वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। और अगर कार्बन के बाद की बात करें तो यहां वैलेंसी हो जाती है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज हाउ वैलेंसी शोज अ ट्रेंड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अगर बात करेंगे तो कि फर्स्ट इट विल इंक्रीज एंड देन इट विल डिक्रीज, इट डज नॉट शो अ कंटिन्यूअस ट्रेंड, पहले बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी। अब लेकिन यही वैलेंसी अगर ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। यहां तक लिख लो फिर मैं समझाता हूं कि अगर यही वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे तो क्या होगा। लिख लिया बेटा सबने यहां तक? नहीं लिखा? लिख लो लिख लो। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, राइट इट डाउन। हाँ हाँ वेट कर रहा हूं भाई, कर रहा हूं। कब ऐसा होता है जब मैं तुम्हें टाइम नहीं देता लिखने का, बताओ। चलो आई होप कि अब तो कर लिया होगा सबने। कर लिया? अक्षत कह रहा है वाई इट इज 8 माइनस आफ्टर कार्बन। तो बेटा देख लो ना ऐसा हो रहा है, हम क्या करें भाई। कार्बन तक वो 4 हो रहा है, फिर उसके वापस ही कम हो गया, और हमने तो बस ये देख लिया कि ये 3 है और ये 3 कैसे आ रहा है। 8 माइनस 5 और 5 क्या थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। फिर ये 2 ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ये 1 फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो लिख दिया हमने। वैसे कोई बता सकता है क्या ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मैं नॉर्मली टाइम नहीं स्पेंड करता उस पर, क्योंकि मतलब इट्स नॉट दैट बिग अ डील, ज्यादा कुछ काम नहीं आता। बट बेटा इसको, नाइट्रोजन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने बॉन्ड बनाने थे बताना जरा? 5 इलेक्ट्रॉन थे, कितने और बॉन्ड बनाने थे उसको अपना एक ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 3। तो ये 3 बना लेता है, इसको 2 चाहिए तो 2 बना लेता है, इसको 1 चाहिए तो 1 बना लेता है बस। बट होगा क्या कि क्यों मैं ये चीज यहां डिस्कस नहीं करता, क्योंकि ऑक्टेट रूल सिर्फ कुछ ही कंपाउंड्स पे लगता है, खासकर पीरियड 2 जो है ना वो ऑक्टेट पूरा करेगा, उसके सिवा कुछ और पूरा नहीं करेगा। वो HF कौन सा कंपाउंड है? हाइड्रोजन फ्लोराइड बेटा। HF तो पढ़ा होगा, मतलब पहले कभी ना कभी एसिड होता है। चलो खैर ये बातें सब अपना टाइम यूज कर जाती हैं जो उतनी काम नहीं आती हैं। लेट्स मूव अहेड, जो बातें काम आएंगी उन पे आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें फिर डिस्कस बॉन्डिंग में हो जाएंगी, चिंता मत करो, है ना। बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब बॉन्ड्स वॉन्ड्स कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, सब पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, कितने जाते हैं, क्यों जाते हैं। हाँ हाँ आसिम बेटा, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं फिर। अच्छा रुको रुको, मैं वही तो हेडिंग लिख रहा था ना, मैं लिख रहा था वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। वैलेंसी
विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन. तो वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कुछ और ट्रेंड भी शो कर सकती है, मतलब जो ऊपर वाला ट्रेंड है वो तो शो कर ही सकती है, बट इट कैन ऑल्सो शो अ डिफरेंट ट्रेंड. क्या डिफरेंट ट्रेंड? ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16 and 17. इनके कंपाउंड्स अगर हम लिखें तो सोडियम के साथ कंपाउंड बनता है N2O, सोडियम के बगल में मैग्नीशियम आएगा, तो दैट इज MgO. मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा बेटा? एल्यूमिनियम, तो Al2O3. उसके बाद क्या आएगा? फास्फोरस नहीं आएगा, सल्फर भी नहीं आएगा. कैसे कैसे रिप्लाई करते हो? सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के साथ SiO2. सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस इज P2O5. फिर फास्फोरस के बाद सल्फर SO3. फिर सल्फर के बाद क्लोरीन Cl2O7. तो इनके साथ दूसरे कंपाउंड्स भी बनाता है, बट अब मैक्सिमम किस वैलेंसी तक जाता है वो देख रहे हैं. तो इन कंपाउंड्स की मैक्सिमम वैलेंसी यहां से अगर हम निकालें ऑक्सीजन के साथ तो यही आती है, इससे कम भी आती है बट मैक्सिमम लिमिट यही आएगी. सोडियम की वैलेंसी कितनी लिख दूं बच्चों, जल्दी बताओ? 1. मैग्नीशियम की 2. आयुष कह रहा है सर आपने SO2 क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि तुम सुनते नहीं हो मैं क्या कहता हूं. मैंने अभी कहा कि इससे कम वैलेंसी भी शो कर सकता है, लेकिन हम सारे एलिमेंट्स की मैक्सिमम जो पॉसिबल वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ थर्ड पीरियड में वो लिख रहे हैं, तो मैंने हर एक एलिमेंट के मैक्सिमम वैलेंसी वाले कंपाउंड लिखे हैं. हाँ, क्योंकि मैक्सिमम वैलेंसी में ट्रेंड आएगा, अभी वो भी क्लियर हो जाएगा. एल्यूमिनियम कितना? 3. सिलिकॉन 4. फास्फोरस 5. बेटा छापना नहीं ऊपर से. फास्फोरस 5, सल्फर 6 और क्लोरीन 7. हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, या हर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो -2 के हिसाब से तुम हर एक पर निकालोगे तो यही आएंगे वैलेंसी या चार्जेस. MgO तो स्टेबल है, सो 0 है. ये क्या बात है विजिक्षु, स्टेबल तो ये भी है, ये भी है, ये भी है. हमको तो वैलेंसी लिखनी है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. बिल्कुल, तो बेटा इसलिए तो मैंने कहा था कि ऑक्सीजन के साथ अलग ट्रेंड आएगा, हाइड्रोजन के साथ अलग ट्रेंड आएगा. ऑक्सीजन के साथ वैलेंसी डिक्रीज नहीं होती, आसिम SO4 नहीं होता है बेटा, SO4 2 नेगेटिव आता है, वो आयन है. सब सोच लो, तुम सब कर लो, मैं जो कह रहा हूं उसको छोड़ के सब करना है ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो छोड़ के सब समझना है, और जो मैं कह रहा हूँ उसको छोड़ के सब बातें करनी है. है ना, ये वैलेंसी है, लिखो तुम ट्रेंड लिखो. वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली. हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी, ये ट्रेंड है. ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली बढ़ती है, तो वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन अलग हो सकती है, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अलग हो सकती है. और मैंने तुमको पहले शुरुआत में ये कहा था कि इस वैलेंसी को अपनी पुरानी वैलेंसी से कंफ्यूज मत करना. यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं ये हम वैलेंसी कह रहे हैं, और एक ही एलिमेंट की अलग अलग वैलेंसीज हो सकती हैं.
हम लोग जब रेडॉक्स पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि किसी एलिमेंट की किस रेंज में वैलेंसी आएगी, ये कैसे पता करेंगे। जैसे सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस पे डिस्कस नहीं करूंगा, सुन लो पहले। सल्फर की वैलेंसी -2 से लेके +6 तक जाती है, ठीक है? सल्फर कैन गो फ्रॉम -2 टू +6, हमने सिर्फ यहां 6 वाली लिखी है मैक्सिमम। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना पीयूष बेटा, जितना सोचोगे उतना कंफ्यूज होगे। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये थोड़ी बोला कि वैलेंसी निकालना तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें बोला ही नहीं है, वो इस चैप्टर में सीखना नहीं है, वो तुमको मैं रिडॉक्स में सिखाऊंगा और केमिकल बॉन्डिंग में सिखाऊंगा। अभी सिर्फ तुमको ये बताया है कि आउटर मोस्ट शेल के बेसिस पर वैलेंसी दो अलग अलग ट्रेंड शो करती है, हाइड्रोजन में पहले बढ़ेगी फिर डिक्रीज होगी, ऑक्सीजन में इंक्रीज होगी, बस और कुछ नहीं करना है तुमको। वैलेंसी पे हम चार्ज नहीं रखेंगे, वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर, याद भी करने की जरूरत नहीं है यार, देयर इज नथिंग टू रिमेम्बर, ठीक है? यहाँ कुछ रटने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेंड बताने के लिए है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हैं व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उस वजह से ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, बस, नथिंग मोर नथिंग लेस, इतनी सी बात, ये लिख लो। बाकी सारी बातें बॉन्डिंग और रेडॉक्स में करेंगे अपन, कि क्या आया, कैसे आया, क्यों आया, कंपाउंड क्यों बन गया, कैसे बन गया, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारे सवालों के जवाब कभी नहीं करेंगे, है ना? बिल्कुल शशांक बेटा, Cl2O7 में 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं अर्नब, लिख लिया क्या तुम, तो ये बताओ सब, फालतू बातें बंद, ये बताओ यहां तक लिखा या नहीं लिखा, इसका कुछ काम ज्यादा आने वाला नहीं है इस चैप्टर में, वैलेंसी से आपको ज्यादा सवाल पूछे नहीं जाएंगे, वैलेंसी कैलकुलेट करना भी मैं तुमको रिडॉक्स में सिखाऊंगा, तो वो वहां पे सीखेंगे, इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, टाइम डबल डबल नहीं खर्च करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, लिख लिया क्या ये बताओ फटाफट से, इस बात का जवाब दो। हाँ इसके बाद अगली चीज पे आते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब अगर तुम ये पूछना चाह रहे हो कि वैलेंसी क्या है, क्यों है, कैसे है, हमको कैसे पता चलेगा किस एलिमेंट के साथ कितनी आएगी, तो बेटा उसके लिए बॉन्डिंग पढ़ लें और रेडॉक्स पढ़ लें, उसके बाद सब सवालों के जवाब पता चल जाएंगे, लेकिन दो चैप्टर की बात है, हम एक टॉपिक के अंदर, वो भी सब टॉपिक के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, है ना? जितना मैं डिस्कस करता जाऊंगा उतना तुम्हारा कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेरे को हर चीज के लिए नए टर्म यूज करने पड़ेंगे। सो लेट्स स्टॉप देयर, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देयर इज सम ट्रेंड इन वैलेंसी जो हमने ऑब्जर्व किया है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये ट्रेंड आया, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये ट्रेंड आया, बस, एंड ऑफ द टॉपिक। अगली चीज, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, इसको हमको समझना है, इसको हमको कैलकुलेट भी करना है और इसको समझ के यूज करना भी सीखना है, तो इस पे थोड़ा टाइम देंगे हम, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट इन ब्रैकेट सिग्मा। हाँ एग्जैक्टली वैभव, वही तो मैं कहता हूँ कि मुझे पता है तुम्हें कब किस चीज की जरूरत है, मैं समझा दूंगा और जो लॉजिकल या इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं उनके जवाब दे भी देता हूँ, बट अब क्या होता है कि किसी टॉपिक पे इधर उधर भटक जाओ तो कोई मतलब नहीं है। लिख ली हेडिंग तो मैं कुछ लिखवा दूँ फिर तो मैं समझाऊंगा, तो डिक्टेट करते वक्त साथ साथ में लिखना, समझते वक्त कुछ नहीं लिखना है। हेडिंग लिख ली ठीक है, तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिख लो, स्क्रीन पर भी लिख रहा हूं, और कोशिश करना साथ में ही लिख लो क्योंकि फिर मैं थोड़ी देर में समझाना शुरू करूंगा। तो लिखो, रिपल्सिव फोर्स एग्जर्टेड बाय फोर्स एग्जर्टेड बाय इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स उसके नेक्स्ट लाइन में, और एक तरीका ये है, और नेक्स्ट लाइन से द शील्डिंग ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स
शील्डिंग ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट इन ब्रैकेट सिग्मा। हर्षल बेटा ये सब बॉन्डिंग में पढ़ेंगे अपन, अब इस सब का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। अगर लिख लो पूरा तो मुझे बता देना कि लिख लिया सर। डायग्राम में भी ड्रॉ नहीं करना, ठीक है? डायग्राम में भी मैं ड्रॉ करना, क्योंकि डायग्राम में मैं और भी चीज़ें लिखूंगा तो तुमको उसके हिसाब से स्पेस रखनी पड़ेगी। तो डोंट ड्रॉ द डायग्राम, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन दिस टू यू, उसके बाद आप लोग बना लेना। तो न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक नंबर जेड है, तो जेड पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस इज योर न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर जेड। अभी कोई ड्रॉ नहीं करेगा, सब लोग सुन लो पहले कि क्या समझना है, उसके बाद ड्रॉ कर लेना। ये जो है ये मैंने शेल्स जैसे बना दिए हैं बोर के मॉडल के हिसाब से कि शेल जैसे। और अगर हम माने कि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अभी शुरुआत में वी जस्ट हैव वन इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो लेट्स सी यू हैव एन इलेक्ट्रॉन हियर, लेट्स चेंज इट्स कलर। भाई आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है यहाँ पे। अगर न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जितने भी शेल्स हैं, इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच, है ना? या हम ये कह सकते हैं कि भाई बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उनको इग्नोर करके देखें तो इसमें और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है हमको, और वो रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही। तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं कि देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन है। अब इसका यूज कहाँ आएगा फ्यूचर में, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को, सुनो। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है आपको, मान लो, या आपको साइज कंपेयर करना है, तो इसको सुनना ध्यान से, सोचना फिर जवाब देना। आयनाइजेशन एनर्जी होती है कि सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी वो आयनाइजेशन एनर्जी है, जितना इसको बाहर निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी वो आयनाइजेशन एनर्जी है। तो बेटा ये अट्रैक्शन ज्यादा होगा अगर, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, राइट?
एक और बात। अच्छा चलो, अगर ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो ये जो डिस्टेंस आने वाला है, ये जो रेडियस आएगा, ये बड़ा आएगा या छोटा आएगा? अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो रेडियस बड़ा आएगा या छोटा आएगा? छोटा आएगा, तो रेडियस विल बी स्मॉल। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, तो अभी हमने जब प्रॉपर्टीज लिखी थी तो हमने इन दो प्रॉपर्टीज की बात की थी, एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी, याद है? तो इन ये जो कुछ हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसके फ्यूचर में यूज करेंगे हम, जब हम आयनाइजेशन एनर्जी और रेडियस की बात करेंगे, तो इन चीजों के बारे में हम वापस डिस्कस करेंगे। अब लेकिन दिक्कत ये है कि अकेला न्यूक्लियर अट्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास, देर आर अदर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल। तो भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन्स यहां हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अंदर रखे हुए हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा बेटा, ये बताओ। क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो इसको अपन लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। और जिस इलेक्ट्रॉन पर अपन ये सब बातें कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम कह देते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन। जो हमारा सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन होगा, जिस पर हम लोग स्टडी करेंगे, उसको हम कहेंगे टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अब हमको सिग्मा की जब हम बात कर रहे हैं तो किसकी बात करनी है? हमने सिग्मा में क्या लिखा है, क्या किसकी बात कर रहे हैं? अट्रैक्शन की कि रिपल्शन की? रिपल्शन की। तो हमको अल्टीमेटली क्या करना है, हमने ये समझा कि भाई न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट करने वाला है, लेकिन इस न्यूक्लियस को अपोज कौन करेगा? ये अंदर रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स। अपोज करेगा ना? बिल्कुल। अरे रुक जाओ, एक सेकंड, ड्रॉ करने का टाइम दे दूंगा, मेरी बात सुन लो, समझा लूं मैं बातें उसके बाद। तो शील्डिंग इफेक्ट में हम ये समझना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, इसमें और न्यूक्लियस में नेट अट्रैक्शन कितना कम हो गया। ठीक है, ये बात समझ आती है? इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए हमने और करके लिखा है। एक या तो रिपल्शंस के थ्रू समझो, या दूसरा तरीका क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसका अट्रैक्शन ये न्यूक्लियस से है। सुनो सुनो सुनो, समझा रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन है, इसका अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस से है, और बीच में ये शील्ड कर रहे हैं। बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसको शील्ड कर रहे हैं। शील्ड पता है ना आप लोगों को, वॉर वगैरह देखी होंगी मूवीज में, तो वहां जो आर्मी होती है उनके पास शील्ड होती है और एक तलवार या भाला या कुछ भी होता है ना? हाँ भाई, कैप्टन अमेरिका की शील्ड। सो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस आल्सो, कि ये क्या कर रहे हैं, ये एक शील्ड की तरह एक्ट कर रहे हैं, कि दीज आर शील्डिंग द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। दो तरीके से समझ सकते हो कि ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं इस तरीके से, शील्डिंग से, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इसका कुछ अट्रैक्शन है और इनका कुछ रिपल्शन है, तो नेट फोर्स जो है वो कम हो जाता है। अल्टीमेटली बात यही है कि इस अट्रैक्शन, इस इलेक्ट्रॉन पर जो नेट अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। बीच में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे तो ये इसको अट्रैक्शन कम मिलेगा। ये बात समझ में आती है? इतनी सी बात तो समझ में आती है कि जितने मैं न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन बढ़ाता जाऊंगा, उतना इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और फिर उसके इफेक्ट्स अपन बाद में देखेंगे।
तो शील्डिंग इज नथिंग बट ये देखना है कि कितना इनका इफेक्ट है, हाउ मच इज द इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, उस इफेक्ट को मेजर करने को हम शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक, और एक लास्ट चीज और, अब कोई मुझसे ये मत बोलना कि सर ये इसको रिपेल कर रहे हैं तो ये भी तो इसको कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा, लेकिन इसके इस पर रिपल्शन लगने से क्या मतलब है, निकलना तो इस इलेक्ट्रॉन को है ना भाई। जब मैं आगे चल के आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूंगा तो इस इलेक्ट्रॉन को देखूंगा, साइज की बात करूंगा तब भी इस इलेक्ट्रॉन को देखूंगा, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहा है उससे मुझे क्या करना, ना तो ये निकलने वाला है आयनाइजेशन एनर्जी में, ना इससे रेडियस डिसाइड हो रहा है, तो कर तो रहा है रिपल्शन लेकिन करूं क्या इसका मैं। ठीक है, ओके, तो अब इसको ड्रॉ कर लो, इसको कैलकुलेट कैसे करना है हम एग्जैक्ट कभी नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमको एक एम्पिरिकल रिलेशन दे दी है, वो हम लोग सीख लेंगे, एक टेबल बनाएंगे उस पर बात करेंगे। नहीं उज्जवल बेटा, न्यूक्लियस तो सबको अट्रैक्ट करता है, फर्स्ट को भी, सेकंड को भी, थर्ड को भी, बट वो तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ लिया ना कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। है ना, तो अब डायग्राम ड्रॉ कर लो, मैं इसमें कुछ और डिटेल्स ऐड कर देता हूं। शेल नंबर क्या है, दिस इज एनथ, दिस इज एन माइनस फर्स्ट, दिस इज एन माइनस सेकेंड एंड सो ऑन अप टू शेल नंबर वन, शेल नंबर टू, दीज आर योर शेल नंबर्स। उज्ज्वल बेटा ये बातें कितनी बार करोगे कि पहला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं जाता, क्यों जाएगा न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो बेटा, स्पीड से रखा हुआ थोड़ी है, ये बातें तो एटॉमिक में हो गई थी, अभी चिंता मत करो टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी मैंने तुम्हें सिर्फ बेसिक समझाया है, इसके इफेक्ट्स, इसको कंपेयर कैसे करना है ये सब सिखाऊंगा। नहीं आयुष बेटा, नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर करके आयनाइजेशन नहीं करवा सकते, डायग्राम बनाओ जल्दी से, ढंग से और प्रॉपरली सब कुछ लिखाना चाहिए डायग्राम में, फिर अपन देखते हैं कि ये रिपल्शन किस किस तरीके से बढ़ते हैं, किस किस पे डिपेंड करते हैं, इनको मेजर करने के लिए हमारे पास एक टेबल है उसको यूज करना सीखेंगे, और मैं उस पर कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा। हाँ विजिक्षु, कह सकते हैं इस तरीके से। हाँ जस बेटा, अल्टीमेटली करेंगे यही कि अभी अपन पहले रिपल्शन पढ़ रहे हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं, अकेले स्क्रीनिंग इफेक्ट से बहुत कम काम होगा अपना, अपन क्या करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट के जस्ट बाद पढ़ेंगे कि नेट अट्रैक्शन कैसे निकालना है, अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन करके नेट अट्रैक्शन की बात करना सीखेंगे, तो अभी दो टॉपिक पूरे पूरे इसी पे चलेंगे, तो अभी टेंशन मत लेना तुम लोग, ये बात अभी इस टॉपिक और इसके अगले टॉपिक सब में यही बातें चलने वाली हैं रिपीटेडली, बस अभी डायग्राम बना लो, इसको थोड़ा मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की तरफ आगे बढ़े अपन। बना लिया क्या बच्चों एक डायग्राम आप लोगों ने? मतलब ये बड़ा चैप्टर है किससे बड़ा, इस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक से छोटा है, इट इज स्मॉलर देन एटॉमिक, प्रोबेबली स्मॉलर देन गैसेस आल्सो, और जितना तुम प्री रीड करके आओगे उतना ये चैप्टर छोटा होता जाएगा। बना लिया सबने? ठीक है, तो अभी किस किस पे डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग सिग्मा,
फैक्टर्स अफेक्टिंग सिग्मा। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। सेकंड, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अलग अलग ऑर्बिटल के लिए सिग्मा भी अलग अलग आता है, तो सिग्मा फॉर एस ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन पी ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन एफ। जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना पास है उसका शील्डिंग उतना अच्छा है, वो उतना अच्छे से न्यूक्लियस को घेरे हुए है। तो क्लोजर दी ऑर्बिटल या क्लोजर द सबशेल, ग्रेटर इज दी शील्डिंग। फिर नेक्स्ट, कंप्लीटली फिल्ड इनर ऑर्बिटल्स, कंप्लीटली फिल्ड इनर ऑर्बिटल्स और सबशेल्स हैव मोर इफेक्टिव शील्डिंग। अगर अंदर वाले ऑर्बिटल्स और सबशेल्स पूरी तरीके से भरे हुए हैं तो उनकी शील्डिंग ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो इन फैक्टर्स की मदद से ट्रेंड क्या बनता है सिग्मा का, वो देख लेते हैं कि लिथियम से नियॉन अगर जाएं, यानी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, या टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप लिथियम से सीजियम आए। तो बेटा लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेंगे या कम होंगे? लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सिग्मा का क्या होगा, शील्डिंग भी बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इंक्रीज। तो सिग्मा का क्या होगा, इंक्रीज होगा। बिल्कुल इसको नोट कर लो। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे जिसमें कैलकुलेशन नहीं है कुछ भी, फिर अपन इसको कैलकुलेट कैसे करें। स्लेटर्स रूल है एक, उसकी मदद से हम लोग सिग्मा कैलकुलेट करेंगे। हाँ विधान बेटा, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि सिग्मा इंक्रीजेस विद जेड। जेड बढ़ा होगी, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो सिग्मा बढ़ेगा। हाँ पार्थ बेटा बिल्कुल बढ़ता है ना डिस्टेंस, तो क्या हुआ, हमको तो टोटल रिपल्शन देखना है ना, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे रिपल्शन उतना बढ़ता जाएगा। लिख लिया, मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं। चलो भाई क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट ऑर्डर्स फॉर स्क्रीनिंग इफेक्ट इन ब्रैकेट सिग्मा। Your options are A, magnesium greater than beryllium greater than lithium greater than hydrogen, B, iron less than cobalt less than nickel less than manganese, C,
गैलियम लेस देन जर्मेनियम लेस देन आर्सेनिक लेस देन सेलेनियम लेस देन ब्रोमीन या फिर डी। स्कैंडियम लेस देन यूट्रियम लेस देन लैंथियम लेस देन एक्टिनियम। तो आंसर्स तो आने लगे हैं, तो कुछ लोग पहले तो बताओ सिंगल करेक्ट है कि मल्टीपल करेक्ट है ये। विजिक्षु बेटा हाँ मैं देखता हूँ, पहले अपन डिस्कस कर लें। मल्टीपल करेक्ट है तो भाई कौन कौन सा करेक्ट है ये बताओ। अच्छा एक एक करके डिस्कस करता हूँ क्योंकि ऐसे तो फिर सबके बहुत वेरीड आंसर्स आ रहे हैं। पहला करेक्ट है या नहीं है, इज ए राइट और नॉट, नहीं है, है नहीं है। बेटा देखो सिग्मा जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका सिग्मा ज्यादा, तो पहले में क्या दिक्कत है। मैग्नीशियम का जेड सबसे बड़ा है, उससे छोटा बेरिलियम है, उससे छोटा लिथियम है, उससे छोटा हाइड्रोजन है, सही तो है। एटॉमिक नंबर भी देख लो तो 12, बेरिलियम 4, लिथियम 3 और हाइड्रोजन 1, सब तो सही है, क्या दिक्कत है। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो सिग्मा तो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। सारे तो सही नहीं है, नहीं नहीं सारे सही नहीं है बेटा, ऑल आर नॉट करेक्ट। तो बी, बी में क्या दिक्कत है, मैंगनीज, मैंगनीज इज दी प्रॉब्लम है ना। बाकी आयरन कोबाल्ट निकलता ठीक है, बट मैंगनीज जो है वो आयरन के पहले होना चाहिए था, तो दिस इज नॉट दी आंसर। सी में कोई दिक्कत है क्या, 31, 32, 33, 34 और 35, कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर है ये। और डी, तो ये तो चारों एक ही ग्रुप के हैं, स्कैंडियम इट्रियम लैंथियम एक्टिनियम, स्कैंडियम इट्रियम लैंथियम और एक्टिनियम। 21, 89 कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, तो डी इज आल्सो करेक्ट। तो आंसर हो गया ए सी और डी, ठीक। तो वैसे तो सिग्मा का ऑर्डर बताने के लिए हमको सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट क्या होगा कि इसके बाद हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे जिसको कहेंगे हम जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए हमको सिग्मा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक सिग्मा कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक जेड इफेक्टिव कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, जिसको हम कह रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो उसके लिए एक स्लेटर्स रूल नाम की चीज है, उसकी टेबल बना लेते हैं। उसकी टेबल बनाने के बाद हम लोग सिग्मा कैलकुलेट करना सीखेंगे। मल्टीपल करेक्ट में हमेशा एटलीस्ट दो करेक्ट होंगे क्या, नहीं बेटा। मल्टीपल करेक्ट में एक से लेके चार तक कुछ भी हो सकता है, यू कैन हैव सिंगल करेक्ट, टू करेक्ट, थ्री करेक्ट, फोर करेक्ट, और अगर चार से ज्यादा ऑप्शन का हुआ तो वो भी हो सकता है। मल्टीपल करेक्ट में कम से कम दो सही होंगे जरूरी नहीं है, मल्टीपल करेक्ट कैन ऑल्सो हैव वन आंसर। विजिक्षु कह रहा है एसपीडीएफ और सिग्मा का रिलेशन समझ में नहीं आया। बेटा देख ये रहा न्यूक्लियस, एस का इलेक्ट्रॉन क्या है कि इसको चारों तरफ से कवर करता है, पी के इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो साइड कवर करते हैं, तो कौन ज्यादा अच्छा शील्ड कर रहा है न्यूक्लियस को बताएगा, एस ज्यादा अच्छे से शील्ड कर रहा है या पी ज्यादा अच्छे से शील्ड कर रहा है। मतलब कोई दुश्मन आएगा तो उसको एस हमेशा ही टकराएगा या पी हमेशा टकराएगा, पी को तो बाईपास करके आ जाएगा ना यहां से, तो एस अच्छे से शील्ड कर रहा है ना। बस
शील्डिंग तो मतलब एकदम बढ़िया आर्मी के फॉर्मेशन जैसे समझ लो, तो जो गोले से शील्ड कर रहे हैं वो अच्छे से शील्ड कर रहे हैं। चलो आगे की बात, स्लेटा जरूर लिखना है आपको, तो सिग्मा के अंदर ही। आयुष कह रहा है सर फर्स्ट ऑप्शन समझ में नहीं आया। बेटा क्या नहीं समझ में आया, ये रखा मैग्नीशियम, उसके ऊपर बेरिलियम, उसके बगल में लिथियम और उसके ऊपर हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 4 और इसका एटॉमिक नंबर 12। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, उससे कम बेरिलियम, उससे कम लिथियम, उससे कम हाइड्रोजन। क्या नहीं समझ आया? समझ में क्या नहीं आया था ये तो बता, अभी तो आगे मैं समझ गया, पहले क्या नहीं समझ आया था ये बता दे। जल्दी बता, सब वेट कर रहा है, मैं भी वेट कर रहा हूं। जल्दी जल्दी जवाब नहीं देते हो तुम टाइम पे। चलो आगे, स्लेटर्स रूल लिखो। स्लेटर्स रूल, तो सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए स्लेटर नाम की व्यक्ति ने एक रूल बनाया जिसको हम फॉलो करते हैं, विच इज नॉट अ परफेक्ट रूल, 100% चीजें उससे नहीं पता चलती है, बट कंपैरिजन करने के लिए कि भाई किसी इलेक्ट्रॉन का कितना शील्डिंग पर इफेक्ट है, सब इलेक्ट्रॉन का बराबर नहीं है, तो किस इलेक्ट्रॉन का कितना इफेक्ट है उसको उसने एक एम्पेरिकल रिलेशन में डाल दिया, उसको एक वेटेज दे दिया हर इलेक्ट्रॉन को। तो अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है जिसपे आप टेस्ट इलेक्ट्रॉन, अगर आपका NS यानी आउटर मोस्ट शेल का S या NP में रखा हुआ है, अगर आपका जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल के एस या पी सब शेल में रखा हुआ है, तो उसके लिए स्लेटर की टेबल जो है वो आपको रेफरेंस के लिए याद रखनी पड़ेगी, और हर इलेक्ट्रॉन के लिए कितना सिग्मा रखना है उसके लिए उसने वैल्यू के लिए एक टेबल बना दी है। तो इसका मतलब क्या है, आउटर मोस्ट या टेस्ट इलेक्ट्रॉन किसी शेल एन में है अगर, तो उससे बाहर वाले शेल की बात अगर करेंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन लेना है 0। इसका मतलब क्या है मैं समझा दूंगा, एक बार टेबल लिख लो। NS या NP का इलेक्ट्रॉन है तो उसका कंट्रीब्यूशन लेंगे 0.35 N-1 का, S P या D अगर है तो उसका कंट्रीब्यूशन 0.85 N-2 एंड लोअर तो उसका कंट्रीब्यूशन 1, और 1s ओनली फॉर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हीलियम। तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हीलियम टाइप का सिस्टम अगर है तो 0.3। उत्कर्ष, टेस्ट इलेक्ट्रॉन जनरली बीच में नहीं होता, बट अगर कोई हमको कह दे कि नहीं आप तो मेरे को आउटर मोस्ट की जगह सेकंड लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे निकाल के बताओ, तो अगर कहेगा तो निकालना आना चाहिए, इसलिए रूल अपन ने पूरा लिखा है, जरूरत अपने को पड़ती कम है उसकी, यूज नहीं आता, मतलब प्रॉपर्टी बताने में अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे सिग्मा का ज्यादा कुछ होता नहीं है यूज, बट अगर प्योर मैथमेटिकल है, कोई ने बोला नहीं कैलकुलेट करके बताओ तो पता होना चाहिए, इसीलिए अपन लिख लेते हैं। तो ये रूल्स हैं, अगर आपका आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन, आखिरी नहीं कहूंगा मैं, टेस्ट इलेक्ट्रॉन अगर किसी ने आपको कुछ भी पूछ लिया कि भाई इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन पर निकालो, वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन अगर NSNP में है तो ये वाली टेबल यूज करेंगे अपन, कैसे यूज करेंगे मैं समझाऊंगा, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन NSNP में ना होके आउटर मोस्ट ND या NF में हुआ तो उसके लिए टेबल दूसरी है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी टेबल कब यूज करनी है, इसके हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे फॉर ND और NF इलेक्ट्रॉन्स। अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन आपका
एन डी या एन एफ सब शेल में रखा हुआ है तो सेकंड टेबल यूज करेंगे। यहां भी ऑर्बिटल और सिग्मा फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, एन इलेक्ट्रॉन। एन प्लस वन, एन प्लस टू एंड हायर। तो जहां टेस्ट इलेक्ट्रॉन रखा है उसके बाहर का ऑर्बिटल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका हमेशा कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो लेना है, क्योंकि वो न्यूक्लियस और टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं है। मोहित, ऊपर वाली लाइन कौन सी लाइन लिखनी है? अरे अभी तक तुम इसके ऊपर लिख रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, मतलब टेबल की शुरुआत से लिखना है तुमको प्रथम? इतना ऊपर स्क्रॉल करके क्या कर रहे हैं, मतलब यहां के ऊपर अभी तक नहीं लिखा, ये तो गलत है। कहाँ चले गए थे, घूमने? समझाऊंगा ना यार मैं, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम दिक्कत क्या है कि तुम टाइम पे नहीं, टाइम से पहले सब समझना चाहते हो कि सर एक बार पढ़ के सब समझ में आ जाए। तो बेटा होता नहीं ना ऐसा, पहली बार साइकिल पे चढ़े थे तो चला ली थी क्या साइकिल पहली बार में? ये सर बस हम तो सीट पे बैठे और साइकिल चल गई सीधे ही, मतलब एक्सपर्ट हो गए पहली बार में। LHS इज लेफ्ट हैंड साइड। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता, ये एक्सपेक्टेशन आती कहाँ से बच्चों की कि बस पहली बार पढ़ा तो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सब समझ में आ जाए एक बार में? पहली बार जिंदगी में कोई चीज देखी है उस वक्त अपने दिमाग को क्यों परेशान करते हो? आएगा ना समझ में उसको, टाइम तो दो बेचारे दिमाग को थोड़ा, कि उसको समय मिले चीजों को सोचने समझने का, कॉम्प्रिहेंड करने का, प्रैक्टिस करने का, तो समझ जाएगा वो। अब तुम चाहते हो कि सर मतलब जादू हो जाए, बस एक बार पढ़ूं और सब आ जाए। तो बेटा ऐसा तो किसी को नहीं आया जिंदगी में ना, आज तक नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा, है ना? सबके साथ होता है। तो अपने आप को पहले तो ये समझाओ कि कोई भी चीज पहली बार में पूरी समझ आ ही नहीं सकती, 100% तो नहीं आ सकती, कितनी भी सिंपल हो। आपको एक लेवल तक समझ में आएगी, उसके ऊपर हमेशा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप उसको दोबारा पढ़ोगे, है ना? मतलब लिखो, तुम पहले लिखो फिर बताता हूं। सही बात है वैभव, और क्या, लिख लो पहले पढ़ लें, उसके बाद एंड में बात करेंगे इस बारे में कि भाई सेट योर एक्सपेक्टेशंस राइट। और ये रियलाइजेशन मुझे भी कब आया, मल्टीपल टाइम्स आया लाइफ में, बट कैसे कैसे आया, कहाँ कहाँ आया। हाँ सही बात है विधान की, थोड़ा मतलब अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो, मतलब उसको इस बात को एक्सेप्ट करो कि भाई मैं जितना इसको दूसरी तीसरी बार पढ़ूंगा धीरे धीरे समझ में आएगा ये वैल्यूज। हाँ बेटा आपको याद, मतलब क्वेश्चन करते वक्त ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, बाकी सिर्फ अभी के लिए याद रखनी पड़ेंगी, आगे चल के देखेंगे कि आपको सिग्मा पूछने का सवाल आया तो ही इसको देखना है, जो पूछा नहीं गया आज तक जेई में। रेफरेंस बुक्स वगैरह मिल जाएगा, मॉड्यूल में मिल जाएगा, तो कैलकुलेट करना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लिख लिया क्या भाई सबने? अब तो लिख लिया होगा आई एम होपिंग, काफी टाइम दे दिया मैंने। ठीक है, तो इसका यूज वैसे सिग्मा निकालने का अपने को जेड इफेक्टिव में काम आएगा, बट मैं एक दो एग्जांपल आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कैसे यूज करना है, सिग्मा को यूज कैसे करना है। एग्जांपल, कैलकुलेट सिग्मा फॉर द फॉलोइंग, या कैलकुलेट सिग्मा फॉर दी लास्ट इलेक्ट्रॉन
ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ही करा रहा हूं आपको, ज्यादा नहीं करवा रहा। हाइड्रोजन, सेकंड लिथियम, थर्ड पोटेशियम। बाकी इसके अगले टॉपिक में बहुत सारे केसेस में करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। नहीं नहीं पार्थ, बिल्कुल नहीं। हाँ भाई, थर्ड इज पोटेशियम। लिखो, मैं समझाता हूँ इसको यूज कैसे करना है। तो इसके कम से कम 10 से 15 एग्जाम्पल करवाऊंगा, सेम बात रिपीट होगी बहुत बार, तो अभी ऐसे टेंशन मत लेना, पहले से बता रहा हूँ। ये तीन एग्जाम्पल डिस्कस करना शुरू करूं? लिख लिया क्वेश्चन सबने? हाँ, तो देखो बेटा, अपने को डिस्कस करना है सिग्मा कैलकुलेशन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया 1s1 कॉन्फ़िगरेशन, लिखो सबसे पहले तो। और इसमें टेस्ट इलेक्ट्रॉन आपके पास ये हो गया, दिस इज योर टेस्ट इलेक्ट्रॉन, इस पे आपको सिग्मा निकालना है। अब इस पे सिग्मा निकालना है तो ये आपका इलेक्ट्रॉन ns में है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन इन ns, देयरफॉर फर्स्ट टेबल यूज करेंगे। ये बात समझ आती है कि हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन s में रखा है, इसलिए पहली टेबल यूज करनी है। बात समझ में आई? ठीक है। अब दूसरी बात, टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे तो सिग्मा निकालना है, तो उसको तो आपको अलग करना है। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? टेस्ट इलेक्ट्रॉन हटाने का इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? जीरो। इनटू कंट्रीब्यूशन कितना लेना था, ये तो देख लें टेबल से एटलीस्ट। तो भाई एस के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना लेना होता है? 0.35 लेना होता है। तो जीरो इंटू 0.35 कितना आने वाला है? ये जीरो। ये रहा पहला आंसर आपका, हाइड्रोजन में सिग्मा आता है जीरो, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही न्यूक्लियस है, नो अदर इलेक्ट्रॉन। सेकंड पे आते हैं, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा, सुन लो। सर वाई मल्टीप्लाई बाय जीरो? बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर से मल्टीप्लाई होगा ना। अभी रुक जा, सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं, तेरे को समझ में आ जाएगा जीरो से क्यों मल्टीप्लाई किया। लिथियम का कॉन्फिग्रेशन 1s2 2s1, ठीक है। फिर से वही बात, टेस्ट इलेक्ट्रॉन किस में रखा है बेटा? एस में कि एसपी में या डीएफ में, किस में रखा है? एसपी में या डीएफ में, किस में रखा है? एस में रखा है। तो टेबल कौन सी यूज करेंगे अपन? पहली वाली ए, ठीक है। अब अपन पहले कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं, इसमें टेस्ट इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करते हैं, बाकी काम करते हैं। ये रहा टेस्ट इलेक्ट्रॉन और ये शेल नंबर n है, आउटर मोस्ट शेल n इज 2, तो ये वन शेल जो है ये कौन सा हो गया? n-1। ये n-1 हुआ या नहीं हुआ? अगर n की वैल्यू 2 है तो फर्स्ट शेल क्या हो गया? n-1 हो गया। अब वापस टेबल पे चलते हैं। अच्छा रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन भी गिन लेते हैं। एन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कोई बताएगा एन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे टेस्ट इलेक्ट्रॉन तो हट गया, अब कितने बचे? जीरो। अच्छा n-1 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अब ऊपर जाते हैं, एन के लिए सिग्मा देखते हैं और n-1 के लिए सिग्मा देखते हैं, ठीक है। तो बेटा n के लिए सिग्मा कितना है? 0.35, और n-1 के लिए सिग्मा कितना है? 0.85, ठीक। आ जाओ, और ये सिग्मा किसके लिए? हर इलेक्ट्रॉन के लिए, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना सिग्मा है। तो ns में सिग्मा निकालना है
इसके दो इलेक्ट्रॉन थे एन माइनस वन के, और एनएच शेल का जीरो इलेक्ट्रॉन था। एन माइनस वन में टू में किसको मल्टीप्लाई करूं, 0.35 के 0.85 किसको मल्टीप्लाई करूं, 0.85। अच्छा, और जीरो में किसको मल्टीप्लाई करूं, 0.35 के 0.85 0.35। तो सिग्मा कितना आ गया बेटा तुम्हारा, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, 1.7। अच्छा एक काम करते हैं, जीरो वाला केस हटाने के लिए मैं पोटेशियम की जगह तुम्हें कुछ और दे देता हूँ, क्योंकि पोटेशियम में फिर जीरो आने वाला, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ बेटा यूनिट लेस है उत्कर्ष, तो पोटेशियम की जगह तुम एक काम करो क्लोरीन ले लेते हैं, है ना, क्लोरीन में जिससे जीरो नहीं आएगा, लेट्स टेक क्लोरीन। थर्ड केस, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। टेस्ट इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, 3p5 वाला टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ये तुम्हारा शेल हो गया n, ये हो गया n-1, तो ये हो गया n-2। यहां तक दिक्कत किसी को, n-1 n-2 में किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है। इनके इलेक्ट्रॉन्स और लिख लेते हैं, हम कितने बच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 3s2 3p5 में से एक तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन गया, कितने बच गए अब इलेक्ट्रॉन, टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे तो निकालना है, उसके सिवा कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है पार्थ, बेटा यूनिटलेस क्वांटिटी है, 8। n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अच्छा टेस्ट इलेक्ट्रॉन किस में रखा है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन किस में रखा है बेटा, s में के p में या d में, किस में रखा है, p में। तो हम यहां लिख देंगे टेस्ट इलेक्ट्रॉन इन np, तो कौन सी टेबल यूज करने वाले हैं अपन, फर्स्ट टेबल। तो सिग्मा निकाल लेते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 2 into, देखते हैं क्या आता है, प्लस 8 into, देखेंगे क्या आएगा, प्लस 6 into भी देखेंगे कि क्या आता है। तो भाई टेबल में देख के बताओ, n के लिए कितनी वैल्यू लेनी है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, n के लिए कितनी वैल्यू आती है, 0.35, बिल्कुल 0.35। फिर n-1 के लिए कितनी वैल्यू आएगी, टेबल में देख के बताओ, n-1 के लिए कितनी वैल्यू आएगी, 0.85, वेरी गुड, दिस इज 0.85। और n-2 के लिए कितनी वैल्यू रखी थी बेटा, 1। तो सिग्मा इज 2 प्लस 0.85 इंटू 8 कितना आएगा, 6.8 प्लस 6 into 0.35 कितना आने वाला है, 2.1। तो सिग्मा फॉर क्लोरीन कितना आ जाएगा, 2 प्लस 6.8 प्लस 2.1 कितना आएगा, नहीं बेटा 11.1 कैसे आ रहा है, 10.9। इस तरीके से सिग्मा निकालते हैं, अभी मैं इसके बहुत सारे और केसेस करवाऊंगा, अप्रोक्स नहीं लगाना है। कौन कह रहा है ये अप्रोक्स 11, ठीक है, अभी और भी समझ में आएगा, चिंता मत करो, क्योंकि इसको अपन जेड इफेक्टिव जो अगला हेडिंग है अपना उसमें फिर यूज करने वाले हैं। हाँ विधान देख लिया था मैंने कि तूने बोला है, बट मैंने ऐसे नाम नहीं लिया था, ठीक है, अब नोट कर लो इसको, फिर अगली हेडिंग में तुमको जेड इफेक्टिव पढ़ाऊंगा। और बच्चों अगर तुम बहुत अच्छे से पीरियडिक में समझना चाहते हो, क्योंकि बहुत जगह तुम्हारा दिमाग इधर उधर दौड़ेगा, तो दिमाग को कम दौड़ाओ और प्री रीड करके आओ, जिससे तुमको क्लैरिटी रहेगी कि भाई क्या चीज पर फोकस करना है, व्हाट डू वी नीड टू फोकस नाउ।
हाँ विजिक्षु बेटा मेरे को पता है ना, इधर भी घड़ी है, सामने भी घड़ी है, बहुत घड़ियां हैं मेरे पास। नहीं को बेटा राइट मोस्ट में सात क्यों नहीं है, देख टेस्ट इलेक्ट्रॉन हटा दिए ना अपन ने यहां से। भाई ये सिग्मा जिस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो हटाएंगे ना, ये टोटल सात थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हट गया टेस्ट में, तो छह ही बचेंगे ना। भाई आयुष आज लगा आप सही हो, प्री रीड करना चाहिए, प्री रीड करके आया था क्या थोड़ा बहुत? हाँ पर 1 में 0.35 से मल्टीप्लाई क्यों होगा, कैसी बात कर रहा है बेटा। n-2 के लिए टेबल देख जरा, 1 के लिए नहीं n-2 के लिए, ये n-2 है, n अपना 3 है। सही बात है रूपांशु, कि पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो तो ऐसा बोलना चाहिए। चलो चलो लिख लिया कि नहीं ये बताओ यार, तुम जो पूछता हूँ वो बताया करो। लिखा यहां तक, हो गया क्या कंप्लीट सबका? ठीक है तो आज के लिए थ्योरी में यहां रोक रहा हूं। प्री रीड क्या करना है मैं बता देता हूं आप लोग, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये दोनों पढ़ो। प्री रीड नहीं किया आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट तो कोई बात नहीं, इसको अभी भी रीड करो, आपको बहुत अच्छे से फील आएगी उसमें थ्योरी में चीजें एक्सप्लेन्ड है। तो एनसीईआरटी से रीड करो स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव प्री रीड करके आना है, और अगर थोड़ा और प्री रीड कर सकते हो तो एटॉमिक साइज कर लो, क्योंकि आई एम होपिंग कि हम लोग अगले लेक्चर में एटॉमिक साइज तक भी पहुंच जाए। ठीक तो रीड एटॉमिक साइज, उसमें काफी अच्छे डायग्राम दे रखे हैं, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, वनडेरवाल्स रेडियस क्या होता है, उनको डेफिनेटली प्री रीड करना, नहीं तो फिर तुम रैंडम रैंडम बातें पूछते रहोगे मुझसे। चलो तो स्क्रीनिंग इफेक्ट में इतनी थ्योरी है, इसके बाद जेड इफेक्टिव कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर से, अभी के लिए प्री रीड होमवर्क है, जेड इफेक्टिव करना है इतना। ठीक है आज की थ्योरी अपन यहां रोक लेते हैं, लेट्स स्टॉप आवर थ्योरी हियर।